हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे चमत्कारी पौधे के बारे में जो बुद्धि बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा सहायक माना जाता है। इसका नाम है ब्रह्मी। ब्रह्मी एक औषधीय पौधा है। इसका साइंटिफिक नेम बेकोपा मोनियरी है, जो भूमि पर फैलकर बड़ा होता है। इसे हिंदी में सफ़ेद चमनी, संस्कृत में सौम्यलता, मलयालम में वर्ण और नीरब्रह्मी, मराठी में घोल, गुजराती में जलब्रह्मी व जलनेवरी कहा जाता है। यह भारत की प्राचीन जड़ी बूटी है। इसे तंत्रिका तंत्र व दिमाग तेज करने वाली औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। यह भारत, नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका, इसके अलावा कई अरब देशों में भी ब्रह्मी उगाई जाती है। ब्रह्मी की तासीर ठंडी होती है, यह शरीर में ठंडक पहुंचाती है। बेनिफिट्स ऑफ ब्रह्मी। नंबर वन, यह स्मरण शक्ति बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होता है। नंबर टू, यह तनाव व चिंता को दूर करता है। नंबर थ्री, कहीं शरीर में सूजन हो गई हो तो उसे कम करने और जलन को भी दूर करता है। नंबर फोर, यह दर्द कम करने में भी काफ़ी सहायक होता है। नंबर फाइव, इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। ब्रह्मी का नियमित सेवन स्वस्थ जीवन और एक स्वस्थ पाचन तंत्र को बनाए रखने में मदद करता है। नंबर सिक्स, यह अतिरिक्त कफ और बलगम को बाहर करके तेजी से गले और सांस में राहत प्रदान करता है। नंबर सेवन, इसका नियमित सेवन इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद करता है। नंबर एट, ब्रह्मी की पत्तियों का इस्तेमाल मिर्गी के इलाज के रूप में भी किया जाता है। नंबर नाइन, ब्रह्मी की पत्तियों का रस या इसका तेल लगाने से घाव जल्दी भरने लगता है। नंबर टेन, ब्रह्मी के तेल को बालों में लगाने से बालों के झड़ने से राहत मिलती है, वो बालों को स्वस्थ बनाने में मददगार साबित होता है। नंबर 11, किसी का ब्लड शुगर लेवल अगर बढ़ा हुआ हो तो इसके सेवन से काफ़ी सुधार मिलता है। हाउ टू यूज़ ब्रह्मी। इसकी पत्तियों को उबालकर काढ़े के रूप में पी सकते हैं। इसकी पत्तियों का पेस्ट बनाकर त्वचा पर लगा सकते हैं। चटनी बनाते समय इसकी कुछ पत्तियां डालने से स्वाद भी बढ़ता है और सेहत के लिए भी अच्छा रहता है। ब्रह्मी का तेल त्वचा व सिर पर लगाकर मसाज की जाती है। ब्रह्मी टैबलेट के रूप में भी खा सकते हैं। ब्रह्मी का पाउडर भी मार्केट में मिलता है, जिसे किसी उचित डॉक्टर सलाह के बाद लेना चाहिए। साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ ब्रह्मी। किसी भी औषधि का लंबे समय तक इस्तेमाल आमतौर पर अच्छा नहीं होता है। नियमित रूप से इसका इस्तेमाल करना ठीक नहीं माना जाता है। इसके ओवरडोज से सिर दर्द, मुँह सूखना, चक्कर आना और मतली हो सकती है। इसका रूटीन में तभी इस्तेमाल करना चाहिए जैसे किसी लक्षण या बीमारी को कम करने के लिए। जिन लोगों को पेट की बीमारी या अल्सर होते हैं उनको इसके सेवन से बचना चाहिए। लो बीपी वालों को और दमा के मरीजों को भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये थे ब्रह्मी के बारे में कुछ मेन पॉइंट्स। इसे भी अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करें। इसे या तो छोटे गमले में या फिर खुली ज़मीन में लगा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको किसी नए टॉपिक के साथ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।